हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रसीले अनार के दानों के साथ। तो सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं, और आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं कल से, तो मैं उस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। उसके बाद कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग आएँ, तो तब तक ये थोड़ा सा जो मिनी ब्लॉग्स हैं एक दो दिन छोड़ के मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। तो दोस्तों मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और ये बिल्ली आ गई है हमारे पास, जो छोटी बिल्ली पहले थी जिसको मैंने नहलाया भी था, बहुत सारा जो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो ये वही बिल्ली है और दोबारा आ गई है हमारे पास। और हमारे घर में रहते ज़्यादातर, सुबह कभी कभी चले जाती बाहर को, तो उसको बाहर करना पड़ता है। देखो मैंने बाहर कर दिया है, अभी मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाएगी, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह कुछ भी आ रहा होगा इसको, तो लेकिन अंदर आने का प्रयास कर रही थी, पर मैंने इसको नहीं अंदर आने दिया उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने एक केला और एक सेब लिया, और यहाँ पर मैं उसको खा रही हूँ, क्योंकि मेरा उस दिन था व्रत, सोमवार का दिन की ये बात है। जो सेब था थोड़ा सा खट्टा था, तो मेरे मुँह के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, एंड यहाँ पर मैं खा रही हूँ केला। और जब थोड़ी सी एनर्जी आएगी शरीर में, तो पढ़ने का मन भी करेगा। तो यहाँ पर गर्म पानी कर रही हूँ, शाम के लिए क्या बन रही है, चाय बन रही होगी, हाँ चाय बन रही है। और यहाँ पर सब्जी भी मैं साथ साथ बना ले रही हूँ, और आलू उबाल के रख दिए थे मैंने पहले ही, यहाँ पर उबले हुए आलू हैं। और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है वो बनाने की मैं सोच रही थी, पर हमारे वहाँ जो सब्ज़ी वाले हैं ना भैया, वो टमाटर ला ही नहीं रहे कोई भी, क्योंकि टमाटर कितना महंगा हो गया आप लोगों को पता ही है। तो मैंने बिना टमाटर के ही जीरे का तड़का लगा के आलू की सब्ज़ी बना दी, और ये रस वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, व्रत के दिन तरीदारी कुछ खाने का मन करता है, इसलिए बाकी बचे आलू मैंने सुबह के लिए बचा दिए, क्योंकि जब भी आलू की तरी बनती है ना सुबह के लिए बचा देते हैं, ताकि सुबह पराठे बन सके। और ऊपर आई छत में, तो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, शाम का टाइम है, हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा घूम लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे सामने जो है चेतना की मम्मी है, और चेतना है यहाँ पे शिवांश की मम्मी, इनके सर दर्द हो रहा था, तो